स्क्रीन पर आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे, एक फोटो देख रहे होंगे, और आप लोगों ने इस इंसान की कई मूवियाँ देखी भी होंगी। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो मूवियाँ होती हैं, जो फिल्में होती हैं, इसमें इस व्यक्ति ने विलन का किरदार निभाया है। लेकिन जब असल जिंदगी की बात आई है, तो आप सभी ने देखा है कि एक इंसान एक हीरो के रूप में आया है। मैं इनका एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था, किसी ने इनसे पूछा कि इस तरह की आपको जो कोरोना महामारी में लोगों की मदद की हुई है, लोगों को घर पहुंचाया है, ये विचार कहाँ से आया हुआ था? तो इस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि मैं जब घर से कहीं निकल रहा था तो मैंने रोड पर इस तरह के लोगों को देखा, इस तरह की भीड़ को देखा, लोगों को रोते हुए देखा, उनके आंसुओं को देखा। तो कहता है कि इन तस्वीरों ने मुझे रातों की नींद, मतलब नींद भी नहीं आ पाई। समझ रहे हैं आप लोग? और इससे याद रखिए, अगर आपको किसी के आंसुओं से फर्क पड़ता है, किसी के दुख से आपको दुख होता है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने आपको एक इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की हुई है। आप देखते हैं कि कई ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्हें आम जनता ने ही ऊपर तक पहुंचाया है। मूवियों ने हमें, आपने देखा है कि उन्होंने हमेशा हीरो के रोल निभाए हैं। लेकिन आज के समय में आप देखिए, कोई नेताओं का गुलाम बना फिर रहा है, कोई चुपचाप बैठा है, घर में बैठा हुआ है। आप लोग मूवियों में देखते थे कि वो अत्याचार होता था, वो गलत होता था, तो वो बड़े मुंह फाड़ते थे, गलत के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन आज आपने देखा है कि वो सब मालूम ही नहीं है कि हैं या नहीं है, जिंदा है या चल बसे हैं। लेकिन ऐसे इंसान को देखिए आप लोग, आप देखिए ना तो ये आपका विधायक है, ना ही आपका देखिए सांसद है, ना ही आपका मुख्यमंत्री है, ना ही आपका प्रधानमंत्री है। अगर आप सोचिए कि ये व्यक्ति अगर लाखों लोगों की मदद कर सकता है, तो आप सोचिए कि अगर हर विधायक, अगर हर सांसद यही काम करता, तो मुझे नहीं लगता है कि देश में इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती, इतने लोग परेशान होते, इस तरह की तबाही हमें देखने को ना मिलती। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके जो सांसद थे, विधायक थे, वो सभी आपके घर में बैठे हुए कोई रामायण देख रहा था, कोई महाभारत देख रहा था। और मैं यहां बता दूं आप लोगों को कि अगर इस परिस्थिति में भगवान श्री राम भी होते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो घर में बैठ के इस तरह का तमाशा देख रहे होते। वो कम से कम रोड पर तो निकलते, लोगों की मदद तो करते। आप देखिए कि नहीं, एक ट्वीट कर दीजिए आप लोग, एक मैसेज कर दीजिए, तो आपकी मदद तुरंत हो जाती थी। वहीं आप अपने सांसद को, विधायक को देखिए कि पांच पांच छह छह खत लिखने, पत्र लिखने, कॉल करने के बाद भी आपकी मदद नहीं हो पाई है। आपकी अगर सिस्टम ने अच्छे से काम किया होता, तो हमें इतनी तबाही किसी भी कीमत में नहीं देखने को मिलती। खैर छोड़िए, अब देखिए जो भी हम लोगों ने किया है, उसका भुगतान भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। अगर हम इस तरह के नेताओं को चुनते हैं, तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने रहता है। और इसमें नेताओं की गलती, मैं कहता हूं कि मान लीजिए 40% है, तो 60% हम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम देखिए किन्हें किन्हें चुनते हैं, हत्यारे को चुनते हैं, हम लोग डकैत को नेता बनाते हैं, हम बलात्कारी को नेता बनाते हैं, तो उसका वही तो रिजल्ट आएगा आपके सामने जो आप लोग दोगे। आप देखिए, इन्होंने लाखों लोगों की मदद की हुई है, एक अच्छा इंसान भी है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर कहीं से भी विधायकी का चुनाव भी लड़ें, तो हार जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जनता हमारे यहाँ की किस तरह की है। खैर छोड़िए, कुछ पिक्चर आपको और दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग इनकी बायोग्राफी, इनकी जीवनी, इनका जीवन परिचय, इनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी जानकारी है इसमें, ये जो अपना फाउंडेशन चला रहे हैं उसके बारे में भी बता दूंगा। इनके ट्विटर ट्विटर जो जितने भी अकाउंट हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप लोग भी जो भी है,
इनका जो नंबर मोबाइल नंबर है उसे भी दिखा देंगे। इनकी जिंदगी की कुछ तस्वीरें भी हैं, उन्हें भी आप देखिएगा, इनका किस तरह से सफर रहा है, मूवियों में किस तरह से सफर रहा है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और मुझे लगता है देखिए कि आपने देखा है कि एक प्रधानमंत्री फंड बना हुआ था इस आपदा में, अगर वहां आप लोगों ने 10,000 रुपये दिए हैं दान, और आप देखिए कि इस व्यक्ति के फाउंडेशन में अब अगर आपने 100 रुपया दिए, तो मुझे लगता है कि 100 रुपया देने की बहुत ज्यादा खुशी आपको होगी। क्योंकि हमने देखिए प्रधानमंत्री फंड का जो भी आपदा फंड जो भी बना था, उसका हम लोगों ने जमीन पर कुछ प्रभाव देखा नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को अगर 50 रुपये भी आप लोगों ने दिए हैं तो उसका असर जमीन पर दिखा है। और आप देखिए कि देश में एक ही व्यक्ति आप लोगों को दिखाई दिया है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना किसी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन एक और आप देखिए कि एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास पद ना होने के बाद भी आप इतने लोगों की मदद कर पाए। देख लीजिए ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये बचपन की फोटो है, किसकी, सोनू सूद की। ये आप देखेंगे कि स्कूल के दिनों की फोटो है, किसकी, सोनू सूद की। एक और आप लोग स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, ये बहुत पुरानी फोटो है, ये भी सोनू सूद ही है। ये आप देखेंगे सोनू सूद की फोटो मॉडलिंग के टाइम की है, जब ये संघर्ष कर रहे थे। अब आप लोग देख सकते हैं इस बंदे को, वर्तमान में पहुंच चुके हैं आप लोग। ये आप देखेंगे सोनू सूद के पिताजी हैं, कौन है, इनके पापा हैं। ये स्क्रीन पर आप लोग एक और फोटो देख रहे होंगे, ये सोनू सूद की माँ है, माता जी हैं। एक और आप लोग पिक देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आप देखेंगे ये सोनू सूद की बहनें हैं, दो बहनें हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी पिक्चर, ये सोनू सूद की पत्नी यानी कि बीवी है, इनका नाम क्या है, सोनाली सूद। ये आप लोगों को स्क्रीन पर एक और फोटो दिखाई दे रही होगी, तो ये सोनू सूद अपने बेटे ईशान सूद के साथ और अपने बेटे आयान सूद के साथ, ये उनकी फोटो है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इनके दो बेटे हैं, सोनू सूद के दो बेटे हैं, यहां आप देख भी सकते हैं, ये है इनका परिवार एक तरह से। देखिए आप लोग, आप लोगों ने काफी वायरल भी हुआ था ये कि आप देखेंगे कि जब सोनू सूद एक तरह से संघर्ष कर रहे थे उस समय, उनका जो आप देखेंगे ट्रेन का पास हुआ करता था, तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, तब इनकी एज कितनी थी, 24 साल के थे। ये पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, ये आप देखेंगे कि जब मजदूरों को घर भेजा जा रहा था उस समय की पिक्चर है। तो आप लोगों ने स्क्रीन पर बहुत सारी फोटो देखी हैं, और आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है जहां तक कि कोई भी भारत में बहुत, तो कोरोना महामारी के टाइम आपने देखा है सर कोई डर रहा था एक तरह से बाहर निकलने में, और ये बंदा दिखाई दे रहा था कि अपनी जान को जोखिम में डालते हुए रोड पर आपको दिखाई दे रहा था। इसी तरह की एक फोटो और देख सकते हैं आप लोग कि पप्पू यादव, मैं पप्पू यादव के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों ने जब से होश संभाला होगा तब से आपने देखा होगा कि बिहार में बाढ़ आए या कोई भी आपदा आए, पप्पू यादव सामने हमेशा खड़े रहते हैं। बैकग्राउंड तो आप देखेंगे किसी भी पॉलिटिशियन यानी कि किसी भी राजनेता का साफ सुथरा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अभी तो करंट में आपकी स्थिति क्या है, आप क्या कर रहे हैं, यही एक तरह से देखा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सोनू सूद के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, कम से कम मुझे लगता है कि हर भारतीय को इसके बारे में मालूम जरूर होना चाहिए। अभी आपने देखे हैं कई इन्हें पुरस्कार भी दिए गए हैं और उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सोनू सूद इनका पूरा नाम है, और इनकी जन्मतिथि की बात करें तो आप देखेंगे 30 जुलाई 1973 को इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है मोगा पंजाब में, पंजाब राज्य में ये जन्म लेते हैं। इनके पिताजी की बात करें तो शक्ति सागर सूद इनके पिताजी थे, और माता जी की नाम की बात करें तो सरोज सूद इनकी माता, और पत्नी आपको फोटो भी देखी होगी आप लोगों ने, सोनाली सूद इनकी पत्नी का नाम है, किनका,
पत्नी का नाम, इनकी याद रखिए लंबेरिज थी। और बच्चों की बात करें तो ईशांत और अयान इनके दो बेटे हैं। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो शुरुआती शिक्षा इनकी होती है सीक्रेट हाई स्कूल से, और आगे की कॉलेज की शिक्षा ये प्राप्त करते हैं यशवंत राव चवन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से, यानी कि ये भी आप देखेंगे इंजीनियर ही रहे हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन यानी कि आपने इन्होंने की हुई है। अगर हम लोग इनके व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये अभिनेता हैं, मॉडल भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और आप एक और नाम जोड़ लीजिए इसमें, समाज सेवी भी हैं। और ऐसा समाज सेवी देखिए कि जिसके मन में लालच नहीं रहता है। आप तो देखते हैं कि आपके यहाँ नेताजी आते हैं और अगर 10 रुपए भी दे जाते हैं तो उसमें नाम लिखवा जाते हैं। आप लोगों तस्वीरें भी देखते रहते होंगे कि आपके विधायक जी अगर कहीं जाते हैं और 2 केला भी दे आते हैं उस मरीज को, तो वो भी तस्वीर निकलवा लेते हैं और अपनी फोटो पर, अपनी किस पर, FB यानी कि फेसबुक पर डाल देते हैं कि विधायक जी इतना महान काम करते हुए। पसंदीदा अभिनेता की बात करें हम लोग तो सेल्वेस्टर स्टेलोन और अमिताभ बच्चन इनके पसंदीदा अभिनेता हैं। आप भी तो देखते हैं कि आप कहते हैं कि हमारा पसंदीदा अभिनेता ये है वो है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप देखिए कि आपके पसंदीदा नेता या पसंदीदा अभिनेता ये कहीं दिखे नहीं है। कोरोना महामारी के टाइम की बात कर रहे हैं, अब PM फंड में इन्होंने कितना दिया कितना नहीं दिया ये हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कहीं दिखे नहीं है। और देखिए आप लोग कि अभिनेता हो फिर चाहे नेता हो, ये इन लोगों को आप लोगों ने ही बनाया है, समझ रहे हैं, और आपके ही काम ना आए। खैर छोड़िए इन बातों को, क्या रखा है। पसंदीदा अगर अभिनेत्री की बात करें तो रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी इनकी पसंदीदा अभिनेत्री रही हैं। पसंदीदा गायक की बात करें तो लता मंगेशकर और अरिजीत सिंह इनके फेवरेट सिंगर रहे हैं। और पसंदीदा खेल की बात करें, क्रिकेट और तैराकी इनका पसंदीदा खेल है। और हॉबी की बात करें तो आप देखेंगे कसरत करना, किक बॉक्सिंग और घूमना। कसरत करना आप लोग उनकी बॉडी को देखकर भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें कसरत करना तो पसंद है। लेकिन आप देखिए कि कोई भी मूवी, मैं तो जितनी भी मूवियां देखी हैं उसमें अधिकतर बार देखा है कि एक विलन का रूप, विलन का किरदार एक तरह से इन्होंने निभाया है। यहां से हम लोगों को एक और सीख मिलती है कि जो अक्सर दिखावा करता है वो वैसा होता भी नहीं है। आदमी के अंदर आप देखिए कि मतलब कुछ हम लोग कुछ और देखते हैं और होता कुछ और है, इसे आप लोग बेहतर समझते होंगे मुझे लगता है। सोनू सूद से अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो ये इंस्टाग्राम पर भी इनकी आईडी है, इस PDF को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग ऐसे देख के सर्च करके आप लोग जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। और सोनू सूद की अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल की बात करें फेसबुक की, तो आपको फेसबुक पर भी ये देखने को मिलेंगे, ट्विटर पर भी आप देखेंगे काफी सक्रिय रहते हैं सोनू सूद। और आपने देखा है कि इनसे कई लोगों ने मजाक भी किया हुआ है एक तरह से कि मेरा ऐसा मुझे ऐसी, आप लोग जानते हैं इतना, ठीक है। और सोनू सूद की अगर हम लोग ईमेल आईडी की बात करें तो ये आपको सोनू सूद एट द रेट hotmail.com ये इनकी ईमेल आईडी है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसे अब मैं बता रहा हूँ कि PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप लोग देखते रहिए, सर्च करते रहिए, जुड़ जाइएगा। कुछ ये हेल्पलाइन नंबर भी हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं, 1800 121, फिर आप देखेंगे 6644 22। एक बार और बोल देते हैं, एक बार मैं कहीं फॉर्म भरवा रहा था, मैंने ऐसा ही किया, मैंने अपना मोबाइल नंबर शुरू के 5 अंक 6 अंक हिंदी में बोल दिए, लास्ट के 5 अंक इंग्लिश में, 4 5 अंक इंग्लिश में बोल दिए, वो व्यक्ति सामने वाला शकल देखने लगा, समझ रहे हैं। तो आप लोग इंग्लिश में ले लीजिए, 1800 121 66 4422। और एक और नंबर है, ये आप देखेंगे, इसे इंग्लिश में बोल देता हूँ, 1800 121 37 22।
11, इसे आप लोग पढ़कर भी, इनके व्हाट्सएप नंबर की बात करें तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, 9321-472118, 93-21-18। ये आप देखेंगे लोगों की मदद के लिए एक सोनू सूद, यानी कि सूद चैरिटी फाउंडेशन भी चलाते हैं, सूद फाउंडेशन भी है इनका, इससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की आपदा आती है तो डायरेक्ट मदद करना मुझे लगता है बेहतर लगता है, कि आप देखिए कि बहुत लोगों ने मदद की, प्रधानमंत्री फंड में भी आपने देखा है, पीएम फंड में भी, लेकिन उसका रिजल्ट निराशजनक रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को मालूम हो कि मदद की गई है लेकिन जमीन पर कमी दिखा है। ये तो वैसा ही हाल हुआ है कि आप देखते हैं कि मंदिर की पेटी में आप लोग 1,000 रुपये डाल आते हैं और बाहर बैठा रहता है कोई भिखारी, उसे आप लोग 2 रुपये नहीं देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर डालने की बजाय अगर आप लोग 10 रुपये बाहर बैठे भिखारियों को दे देते हैं और 100 रुपये पूरे खर्च कर देते हैं तो वो सामने कम से कम दिखाई तो देगा, हमारे सामने रिजल्ट तो रहेगा। तो इससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर अब बात करते हैं हम लोग इनकी बॉलीवुड की करियर की, और याद रखिए इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया, साउथ में भी काम किया मूवियों में, और याद रखिए हॉलीवुड में भी काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना किरदार इनका अच्छा है। पहला फिल्म की बात करें तो तमिल कालज घर 1999 में, ए क्या करते हैं, बॉलीवुड 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 में ये सफर इनका शुरू कहां से होता है, कालज घर, कालज घर 1999 में, याद रखिए तमिल मूवी थी। क्या थी, तमिल। इनकी अगर हम लोग पहली तेलुगु फिल्म की बात करें तो हैंड अप्स, ये सन 2000 की बात है। हिंदी फिल्म की बात करें तो शहीद ए आजम, सन 2002 की बात है। अंग्रेजी की बात करें तो राकिन मीरा, यानी कि इनका हॉलीवुड की अगर हम बात करें तो राकिन मीरा में काम किया है, 2006 में आई थी ये मूवी। तो इनकी आप देख सकते हैं तमिल की पहली मूवी, तेलुगु, हिंदी की पहली मूवी और अंग्रेजी यानी कि हॉलीवुड की पहली मूवी है। आगे आप देखेंगे, अब तमिल की कुछ मूवियों के नाम बता देता हूँ जो काफ़ी फेमस रही हैं। 1999 में कालज घर इसे देख चुके हैं, 2001 में मजनू, 2002 में आप देखेंगे राजा, ये सभी आपकी तमिल में है, ठीक है। 2003 में आप देखेंगे कोविल कोविल पट्टी वीरलक्ष्मी, 2005 में देखेंगे चंद्रमुखी, 2011 में ओस्टे, 2013 में मदा गजा राजा, 2013 में राणा, 2013 में राणा। फिर ये कुछ आपकी सोनू सूद की तेलुगु फिल्में हैं जिसमें आप देखेंगे 2002 में आई थी हैंडसम अप, 2003 में अम्मेलू अब्बीलू, 2005 में सुपर, 2005 में आप देखेंगे अथाड़ू, आप देखेंगे तमिल में भी अलग नाम ही रहते हैं, 2006 में आप देखेंगे अशोक, 2008 में मिस्टर मेधावी, 2009 में आई थी अरुंधति, और याद रखिए इसे एक अवार्ड भी मिला था, सर्वश्रेष्ठ खलनायक नंदी अवार्ड, सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था तेलुगु मूवी अरुंधति के लिए, ये 2009 में आई थी अरुंधति, ठीक है। 2009 में आप देखेंगे अनजान अनजानी उल्लू, 2009 में बंगारू बाबू, 2009 में एक निरंजन, 2011 में आप देखेंगे शक्ति, 2011 में ही तीन मार, 30 मार या तीन मार, 3 मार, 2012 में आप देखेंगे कि जुलाई, और इसे भी एक अवार्ड मिला था खलनायक के लिए, SIIMA अवार्ड। 2013 में भाई आई थी, भाई मूवी है, ठीक है, इसमें भी इनने इन्होंने किरदार निभाया था। सोनू सूद की फिल्मों की बात करें कुछ और हिंदी फिल्में भी हैं और हिंदी फिल्में आप लोग देखते भी हैं, तो 2002 में शाहिद ए आजम, शहीद ए आजम, इससे भी आप लोग इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 2003 में आप देखेंगे कहां हो तुम, 2004 में आप देखेंगे मिशन मुंबई, 2004 में आप युवा, 2005 में आप देखेंगे आशिक बनाया आपने, 2005 में सिस्कियां, 2005 में 2005 में ही आप देखेंगे डाइवोर्स, और 2008 में आप देखेंगे जोधा अकबर,
और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी इसके लिए ने मिला था। 2008 में ही आप देखेंगे सिंह इज किंग, और 2008 में एक विवाह ऐसा भी, 2009 में ढूंढते रह जाओगे, 2010 में आप देखेंगे दबंग आई थी, और इसमें खलनायक के अभिनय के लिए अप्सरा अवार्ड IIFA सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला था। किसे? सोनू सूद को, दबंग मूवी के लिए। 2011 में आप देखेंगे बुड्ढा होगा तेरा बाप, 2013 में शूट आउट एट वडाला, 2013 में रमैया वास्तवेरिया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मूवियां हैं, और भी बहुत सारी इनकी मूवियां हैं, उन्हें भी आप लोग देखते रहिए, लेकिन काफी फेमस मूवियां इनकी यही हैं। सोनू सूद को मिले अगर हम लोग अवार्ड की बात करें, यानी कि पुरस्कारों की बात करें, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 2009 में ने अरुंधति मूवी के लिए बेस्ट विलेन के रूम में नंदी पुरस्कार मिला था, बेस्ट विलेन के रूम में। आप देखते हैं कि मूवियों में ये विलन का किरदार भी बहुत सारे अच्छे से निभाते हैं। उसमें आप देखिए कि पूरा एक तरह से अंदर तक, मतलब पूरा, आप समझ रहे हैं, जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति को धारण कर लेते हैं एक तरह से। 2009 की बात कर चुका हूं कि जोधा अकबर के लिए बेस्ट सपोर्टर एक्टर के रूम में, 2011 में दबंग के लिए नकारात्मक भूमिका गिल्ड पुरस्कार के लिए, और 2014 में आप देखेंगे इंटरटेनमेंट सर्वश्रेष्ठ खलनायक स्टार डस्ट पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और सबसे जरूरी बात यह है जिसमें इन्होंने साबित कर दिया कि ये अच्छे इंसान हैं, ये कहने के लिए, मूवियों में कहने के लिए विलन है, बदमाश हैं, और भी आप लोग जितने नाम दे सकते हैं, लेकिन हकीकत में इनकी जिंदगी और कुछ है। सोनू सूद को COVID-19 महामारी के दौरान उनके मानवीय कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रतिष्ठित 2020 SDG स्पेशल ह्यूमिनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। इसीलिए मैंने कई बार आप लोगों से बोला भी है, और आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा तो इसे अनुभव भी आप लोगों ने किया होगा कि देखिए आपके कर्म ही आपको यादगार बनाते हैं, आपको इसे इतिहास में जगह देते हैं। आप सभी लोग जानते भी हैं रानी लक्ष्मीबाई और सिंधिया घराने के बारे में, आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम लोग आज पूजा कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं, तो उसकी एक वजह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी, मतलब देश के लिए दी है और लोगों के लिए दी है और कुछ किया है। वहीं हम लोग सिंधिया को आप देखते हैं, कोई स्पेशल बुक्स आप लोग उठा के देख लीजिए इतिहास की, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सिंधिया गद्दार था। आपको क्या लगता है ये गद्दार शब्द कभी हट सकता है? कभी नहीं हट सकता है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे हम लोग कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमें याद रखा जाएगा इतिहास में। और आप देखिए कि आपकी हो सकती है कि 25, किसी की 25 साल की उम्र हो सकती है, 25 साल बाद वो खत्म हो जाए, कोई 30 साल बाद, हो सकता है कि कोई 200 साल जी जाए, 150 साल जी जाए, लेकिन आप देखेंगे कि कई 25 और 30 साल की उम्र में भी अपना नाम इतिहास में छोड़ जाते हैं, लोगों के दिलों में छोड़ जाते हैं, और कुछ 200 साल जी जाते हैं, 150 साल, उनका नाम ही पता नहीं रहता है। उनके मरने के बाद आप देखेंगे उनके घर परिवार वाले ही 2 4 दिन में सब कुछ क्रियाक्रम करके भूल जाते हैं। तो कर्म बहुत बड़ी चीज होती है, और आप कहते भी तो हैं कि कर्म के ही फल मिलते हैं, जिस तरह से आप कर्म करोगे उसी तरह से फल मिलते हैं। इन्हें आप लोग वैज्ञानिक तरीके से भी देख सकते हैं कर्म को, और आप लोग धार्मिक प्रवृत्ति से भी देख सकते हैं। चलिए खैर छोड़िए, इनके देख लीजिए 2020 में जब COVID-19 महामारी के दौरान सामाजिक कार्य क्या क्या किए। सबसे पहले तो आपने देखा है कि जब कोरोना महामारी के बावजूद आपने देखा है कि बहुत तेजी से फैल रही थी, तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, जिसे आप लोग संपूर्ण एक तरह से तालाबंदी भी कह देते हैं, देशव्यापी तालाबंदी। तो इस दौरान सोनू सूद ने हजारों फंसे हुए भारतीय प्रवासी श्रमिकों को उनके उनके लिए बसों, विशेष ट्रेनों और चार्टर उड़ानों की व्यवस्था करके उनके घरों तक पहुंचने में मदद की हुई है। यहां आप देखिए कि कई लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का निर्णय अच्छा था लॉकडाउन लगाना,
लेकिन यहाँ देखिए आप लोग, उनकी काफी आलोचना भी हुई है। आप सोचिए कि मुंबई में कुछ लोग फंसे हुए थे, आप लोगों ने डायरेक्ट आके बोल दिया कि आज से सब कुछ बंद, ट्रेनें रद्द, आप घर नहीं जा सकते हैं। तो लोग याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि आप मुंबई में हैं तो आपके अंदर घर जाने की एक तरह से लालसा बढ़ेगी, और आपने देखा है कि लोग पैदल ही चल दिए, हजारों लोग। मुझे लगता था कि जहां तक टाइम देना चाहिए था कि सब लोग घर पहुंच जाएं, उसके बाद 3 महीने का छोड़िए, आप लोग अगर 6 महीने का भी लॉकडाउन लगा देते तो उससे आदमी अपना एडजस्ट तो करता रहता। कि अब आप सोचिए कि आप कमाने के लिए मुंबई गए हुए हैं कोई, और वहां काम धंधा सब बंद हो गया, तो आप सोचिए कि वो क्या करेगा वहां। और आप समझ सकते हैं कि मुंबई का खर्च आप सभी को मालूम है। तो यहां देखिए आप लोग, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। ट्रेनों में आपने देखा है कि अगर ट्रेन कोई चलाई गई तो उसके किराया बढ़ा के लिया गया, और वैसे तो ट्रेनें आपने देखा है कि बसें सब कुछ बंद कर दी गई थी। इस बीच एक आदमी देश में उभर के आया और उसने लोगों को अपने घर तक पहुंचाया। और आप सभी जानते हैं कि कई इसमें प्रेग्नेंट यानी कि आप देखिए गर्भवती महिलाएं भी थीं, उन्होंने अपने बच्चे का जन्म होने के बाद नाम सोनू सूद दिया। ये भी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, मैं कई जगह देख रहा था, कई इंटरव्यू में देख रहा था उसमें। तो आप सोचिए कि इससे बड़ा क्या हो सकता है। खैर छोड़िए, आप जिस देश में रह रहे हैं उसकी कहानी बहुत अलग है, यहाँ नेताओं की कहानी बहुत अलग है और समाज सेवियों की कहानी बहुत अलग है। फिर आप देखिए कि जुलाई 2020 में उन्होंने किर्गिस्तान में फंसे 1500 से अधिक भारतीय छात्रों को बिश्केक से वाराणसी ले जाने के लिए चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था की। यहाँ आप देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को जिस तरह देखना है देखते रहिए, मैं उसमें कुछ सफाई भी नहीं दूंगा। एक समय आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब कहा करते थे कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करे। और आपने देखा है कि लॉकडाउन जब लगा, कोरोना आया, तो कई लोगों को बाहरी देशों से हवाई जहाज के द्वारा बुलाया, फ्लाइट इस तरह की व्यवस्था की गई, उन लोगों को भारत लाया गया। और आपने देखा है हमारे ही लोग जो थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें मुंबई से उनके घर तक व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ भेदभाव आपको दिखाई देगा, यहाँ आपको मालूम चलेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कितना महत्व रखती है आपके लिए। आप देखिए इस लॉकडाउन में हजारों लोग मारे गए हैं, किसी के घर में खाने के लिए नहीं था, उनकी न्यूज नहीं आई हुई है आपके सामने। लेकिन अगर कोई आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी है वो मरता है, वो किसी भी तरह से अगर कुछ भी होता है, तो आपने देखा है उसका नाम 10 दिन तक न्यूज़पेपरों में चलता है। तो ये भेदभाव है और साफ आपको दिखाई भी देगा। और याद रखिए हमारे देश की विडंबना कह लीजिए, जो भी कहना हो, कि हमारे नेताओं ने, पॉलिटिशियन ने एक मान ली बात है कि यहाँ आम लोगों का मरना एक आम बात है, ये हकीकत है। शायद आप लोगों को कड़वी लग सकती है, लगे मैं इसमें कोई सफाई भी नहीं दूंगा। खैर छोड़िए, आप लोग जो भी करेंगे आप लोग भुगतेंगे। और आपने देखा है ऑक्सीजन के लिए, जब हम ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पाए लोगों को, तो मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई तरक्की की, हमने विकास किया हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ ऐसा, आप मानते हैं तो आप लोग करते रहिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तो ये उस दिन मानूंगा कि देखिए, जिस दिन हमारे देश में हर व्यक्ति को शिक्षा व्यवस्था फ्री हो, वो चाहे गरीब का लड़का बच्चा हो या फिर आप देखिए अमीर का बच्चा हो, उसे शिक्षा अगर प्राप्त करनी है, उसके मन में शिक्षा है कि हमें शिक्षा लेनी है, तो वो इंजीनियर भी बन सके, डॉक्टर भी बन सके, उसे इस तरह की फ्री सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, या इतना तो कम से कम किया जाए कि वो उस सर्विस को खरीद सके, उसकी वहां तक पहुंच हो सके। आप देखते हैं कि अगर किसी गरीब की तबीयत खराब होती है, उसका स्वास्थ्य खराब होता है, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सरकारी हॉस्पिटल की हमारे देश में क्या हालत है। और आप देखिए यही आधारभूत एक तरह से सुविधाएं हैं, यही हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, तो हमारा देश भी मजबूत बनता है। और यहीं से हमारे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट और आप देखिए बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे इस तरह के व्यक्ति हमें मिल सकते हैं। इस क्लास में बातें करने का देखिए उद्देश्य भी, बातें होंगी देखिए जब इस तरह का टॉपिक आता है, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा बातें होंगी तो आप लोग माफ करिएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता।
महामारी के दौरान उनके दान की सराहना भी की गई। उन्हें भारत में एक वास्तविक जीवन के नायक के रूप में प्रतिष्ठित भी किया गया है। और आप देखिए, एक सालों साल एक आदमी को याद रखा जाएगा। अब लोगों के दिल में रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन इतिहास कम से कम याद तो रखेगा कि जब देश में आपदा आई हुई थी तब दुनिया क्या कर रही थी और हमारे यहाँ के नेता, पॉलिटिशियन और भी कोई लोग क्या कर रहे थे, ये नहीं देखा जा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति कम से कम अपनी जान में जोखिम में डाल के एक तरह से रोड पर था, लोगों की मदद कर रहा था। आपने तो यहाँ तक तस्वीरें देखी हैं कि एक बाप की डेथ हो जाती है, उसका बेटा उसे अग्नि देने, मतलब उसकी अंतिम जो अंतिम क्रियाक्रम होता है उसे करने से मना कर देता है। इतनी अपनी जान की पड़ी रहती है। हमारे पड़ोस में अगर आपने देखा है कि किसी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उससे हम लोग नफरत करने लगते थे, हम उसकी मदद नहीं करते थे। और एक व्यक्ति आप देखिए इसे कि मुंबई जैसे सड़कों पर घूम रहा था। तो यहीं से देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान ने ऊपर बैठा होगा, अगर भगवान भी होगा तो वो जरूर कहता होगा कि मैंने इस आदमी को इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की हुई है। 25 जुलाई 2020 को एक किसान की बेटियों के खेत की जुताई करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जैसे बैल अपने कंधों पर जुए, आपने देखा होगा, हल बैल देखा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं देखा है तो आप लोग सर्च करिए, आपको दिखाई भी देगा। तो दो बैल के ऊपर क्या रख देते हैं, कुछ लकड़ी का वो रख देते हैं और फिर हल खींचा जाता है। तो ये काफी वायरल हुआ। उसके बाद सोनू सूद ने उस परिवार को एक ट्रैक्टर भी दिया था, समझ रहे हैं। और इस तरह की एक मदद की नहीं, आप देखेंगे लाखों लोगों की मदद की गई है। बाद में आपने देखा है इनकी जांच भी हुई कि इतने इनके पास मदद के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। एक अच्छा काम भी कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसकी भी जांच हो रही है। ये है हमारे देश की स्थिति, हमारे देश का सिस्टम। खैर छोड़िए, इस पर हम लोग ज़्यादा कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। 5 अगस्त 2020 को उन्होंने मुख्य रूप से तमिलनाडु के 101 मेडिकल छात्रों की मदद की जो लॉकडाउन के दौरान मॉस्को में फंसे हुए थे, और उनकी मदद के लिए अपनी टीम से संपर्क करने के बाद उनके द्वारा की गई चार्टर फ्लाइट से सुरक्षित चेन्नई पहुंचे थे। तो इस तरह की देखिए, तो काफी टाइम, मतलब आप देखिए चर्चित घटनाएं हैं, लेकिन इस तरह की मदद हजारों लोगों की गई है। अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो इनने कोई, आपने देखा है, इस तरह का बैच भी बनाया हुआ है, शिक्षक भी रखे हुए हैं मदद के लिए। तो आप लोग इसके इस फाउंडेशन पर जाकर, आप लोग जो बताया था उस पर आप लोग जाकर देखते रहिएगा। तो ये कहानी है सोनू सूद की। और याद रखिए, बड़ा मतलब अच्छा लगा, अब क्या कह सकते हैं। और एक बार आप लोगों को तुलना तो करनी चाहिए अपने नेताओं में, उस व्यक्ति में, इसके पद को भी देखना चाहिए, आपके अपने विधायकों के पद को भी देखना चाहिए था। चलिए मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, मैं किसी पार्टी को एक तरह से टारगेट नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, 403 आपको विधायक देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश से, 31 आपको राज्यसभा सदस्य देखने को मिलेंगे, 80 सीटें आपको लोकसभा में सांसद देखने को मिलेंगे, लोकसभा सदस्य। आप सोचिए कि अगर ये सभी अच्छे से काम करते और 100 आपके, 100 आपके विधान परिषद में भी देखने को मिलेंगे। ईमानदारी से मैं इतना कह सकता हूं कि अगर इन नेताओं ने अपना कर्तव्य निभाया होता, अपना धर्म निभाया होता, तो मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी तबाही ना देखने को मिलती, इतने लोग अपनी जान ना गंवाते। इस बात को अगर, इस जो भी मैंने लाइन बोली है, अगर किसी को दुख है तो बना रहे, लेकिन भगवान, मैं इतना कहता हूं कि मतलब हकीकत है, और देश ने इस टाइम जो तबाही देखी है, मैं तो आजादी के इतिहास पढ़ा हूं, अच्छे से पढ़ा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी इस तरह की तबाही देखने को मिली होगी। कहते हैं कि 1947 में जब आपने देखा है देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान और भारत बन रहे थे, उस समय इस तरह के आप देख दंगे हो रहे थे। तो कहते हैं महात्मा गांधी जैसे और भी सरदार पटेल हों, आपके नेहरू हों, आपके भीमराव अम्बेडकर साहब हों, मुखर्जी साहब हों, ये सभी आप देखिए कि दंगा को रोकने के लिए लोगों के बीच जा रहे थे। तो वो थे हमारे नेता।
और आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद देश में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई थी, उनसे लड़ा, उन्हें बेहतर किया। आप देखते हैं कि आपकी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश में आपने देखा है किस तरह से हमारी 564-65 रियासतें थीं, सब अपने अपने अलग अलग देश बनाने की ख्वाब देख रहे थे, स्वतंत्र होने की ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने किस तरह से उस समस्या को खत्म किया, एक देश को किया। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, खाद्यान्न की उनके समय कितनी प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसे समाधान निकाला, वो थे नेता। और सबकी बायोग्राफी भी मैंने कवर की हुई है, और इसीलिए कहता हूँ कि आप देखेंगे कि आज के नेताओं में, उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बातें हो गई हैं, अब आप लोग सोचते रहिए, और याद रखिए इस कोरोना महामारी की आपदा को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने परिवार में मेंबर को खोया हो या इस समस्या से वो जूझा हो। हम आप कभी नहीं इस समस्या को समझ सकते हैं, हमारे लिए ये सब दिखावा लगेगा। लेकिन एक बार अगर आप लोगों को कभी इस तरह की प्रॉब्लम दिखावा लगती है, तो मैं कहता हूं कि जिस महिला ने, आपने देखा है कि रोड पे चलते हुए बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद दोबारा वो चलने लगती है, ऐसा माना जाता है कि एक बच्चे को जन्म देना महिला के लिए दूसरा जन्म होता है, इतनी तकलीफ होती है उसे। तो उस महिला की जगह अपने परिवार के किसी मेंबर को रख के देखिए। आपने कई तस्वीरें देखी हैं कि एक माँ को ऑक्सीजन की जरूरत है, दो बेटियां ऑक्सीजन मुंह से दे रही हैं, या किसी पति को ऑक्सीजन की जरूरत है, उसकी पत्नी मुंह से ऑक्सीजन दे रही है। अगर ये भी आप लोगों को दिखावा लगता है, तो उसकी जगह अपने परिवार के मेंबर को रख के देखिए, तब मालूम चलेगा। और कहते हैं ना कि दूसरे की समस्याएं आपको दिखावा लगती हैं, जब वो समस्याएं हमारे ऊपर खुद आती हैं, तब हमें मालूम चलता है कि असल में अच्छा ऐसी भी होता है कुछ। तो मुझे लगता है समय समय पर अपने आप से मिलते रहना चाहिए, आप भगवान को माने या ना माने, लेकिन अपने अंदर कम से कम झांकते रहना चाहिए। और फिर भी आपको अगर संतुष्टि है, तो मैं कहता हूँ रहिए संतुष्ट। अगर आप लोग जो भी सोचते हैं सोचते रहिए, मैं इस पर जो कुछ ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ। खैर, मैं तो देखिए सलूट करता हूँ, मैंने ज़िंदगी में किसी ना तो पॉलिटिशियन को सलूट किया, ना मैं किसी का फैन हुआ हूँ, ना तो पॉलिटिशियन, आज़ादी के बाद के नेताओं की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे पसंद थे तो अटल बिहारी वाजपेयी पसंद थे, उसके बाद आप देखेंगे इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको भी बड़ा हम सम्मान देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। आज के नेताओं में मुझे देखिए ऐसा कोई नेता मिला नहीं कि जिसे सम्मान, जिसे सलूट कर सकें। और अभिनेताओं में आप देखिए, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, लेकिन सलूट करने का अगर किसी को मन करता है, तो सोनू सूद को करता है, बंदा जैसा भी हो, लेकिन मानवता, इंसानियत दिखाई है कम से कम। खैर छोड़िए, आप लोग लगे रहिए, अपना करते रहिए, जिसमें आपको संतुष्टि हो, जैसे नेता आप लोगों को चुनना है चुनते रहिए, उसका परिणाम भुगतते रहिए। और हम तो भुगतेंगे ही, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसका परिणाम भुगतेंगी। चलिए, हम तो मिलते रहेंगे, हम कहाँ जाने वाले हैं, आप लोग एंजॉय करते रहिए।